भगवान कृष्ण भी आपको मोक्ष देंगे, राम भी आपको मोक्ष देंगे। अगर आपने आराधना किसकी करी है? शंकर भगवान की करी है। एक पावन कथा आती है कड़प नाम के राक्षस की, शिव पुराण में। एक कड़प नाम का राक्षस था, जो महाराज जिसको ना पूजा याद ना कुछ भी याद नहीं, जंगल में रहता, पत्तियां खाता, मांस खाता था। और वहीं जंगल में एक ओटले पे शिवलिंग बना हुआ था, तो सबको पूजन करते हुए वो देखता था कि सब कैसे पूजन कर रहे हैं। तो एक संत ने कह दिया कि भगवान शंकर को जो अपन खाते हैं वो चढ़ाओ। तो भगवान शंकर प्रसन्न होते, बोले पूजा में क्या चढ़ाए? बोले जो अपन खाते हैं वो चढ़ाओ। तो जो कड़प था वो क्या खाता था? मांस खाता था महाराज। तो कड़प तो महाराज भगवान शंकर के ओटले पे गया और मांस जाकर उसने चढ़ा दिया। अब पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि कौन पापी था, कौन दुराचारी था जिसने भगवान शंकर के जलाधारी पर, भगवान शंकर के शिवलिंग पर मांस लाके रख दिया, ये कौन था? भगवान ने साफ, संत ने साफ किया कि राम राम राम, कितना पाप बढ़ गया है, जैसे ही साफ किया। दूसरे दिन फिर कड़प आके मांस चढ़ा गया, दूसरे दिन फिर संत ने साफ किया, तीसरे दिन फिर आके चढ़ा गया। तो चौथे दिन पंडित जी ने क्या करा कि उस जलाधारी के ऊपर एक लोहे का जाल लगा दिया कि अब इस पर कोई भी मांस वांस नहीं चढ़ा पाएगा। तो महाराज कड़प जब गया तो उसने देखा कि उस जाल का जो एक जो सरिया था लोहे का, वो कहां उस शिवलिंग पर टच हो रहा था, शिवलिंग पर लग गया था। और उस शिवलिंग से जहां वो सरिया टच हो रखा था, वहां से महाराज खून की धारा बह रही थी उस शिवलिंग से। तो कड़प को लगा कि अरे मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई। क्या लगा? राक्षस था, चढ़ाता मांस था, लेकिन भाव देखो उसका, कह रहे मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई, ये किसने यहाँ पर जाल लगा दिया? तुरंत जाल को निकाल फेंका महाराज, और एक सरिया लिया, उस जाल में से अपनी आंख निकाली और भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगा दी महाराज, इतना उसका भाव था। तो राक्षस को मांस चढ़ाने वाले को भी, और जैसे आंख लगाई भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, मांग कड़प मांग, तुझे क्या चाहिए? तेरे जैसी भक्ति मेरी किसी ने नहीं की। तो कड़प ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति करना याद नहीं, जल लाने के लिए पात्र नहीं था तो मुंह में जल भर के लाया और आपके ऊपर डाला। महाराज पता नहीं कि कौन से बेल पत्र है, कौन सा धतुरा है, जंगल की सारी तरह तरह की पत्तियां लाकर आप पर चढ़ा दी, और नहीं पता कि क्या चढ़ता है, तो जो मैं खाता हूं मैंने मांस आपके ऊपर चढ़ाया, फिर भी आप प्रकट हो गए। बोले मैं तेरे मांस से, मैं तेरे फूल फल चढ़ाने से प्रकट नहीं हुआ हूं, मैं तेरे भाव से प्रकट हुआ हूं, तेने ऐसी भक्ति मेरी कर, तेरा भाव प्रबल है, तेरे भाव में वो तेज है कड़प। तब कड़प को भगवान ने वरदान दिया कि जो भी भाव से मेरी भक्ति करेगा उसकी मैं हर इच्छा पूरी करूंगा, हर इच्छा, हर एक इच्छा, चाहे कुछ भी आप मांगो वो आपको जरूर देगा, क्योंकि वो हम सबका है, आपका भी अकेले का नहीं है, हमारा भी नहीं है, सबका है। और महाराज जिसने भी भाव से मांगा है उसने दिया ही दिया है। कड़प ने मांस चढ़ाया तो भी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, तो आप भक्ति करेंगे तो आपको नहीं देंगे?